हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी को आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। सबको मैंने बोला था कि ये टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन अपन ने एक समय को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टॉपिक लिया आज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हाँ, जैसे हिंदी में आपकी आती है सप्रसंग व्याख्या, उसी प्रकार से अपन आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में कैसे सप्रसंग व्याख्या होती है। तो आपके जो पोएम्स है कोर्स के अंदर, कुछ पोएम्स हटा दी गई हैं, जैसे द लेग इज ऑफ इन फ्री। तो यहाँ पर फिलहाल समझो, नो मैन आर फॉरेन, द रोड नॉट टेकन, विंड हो गई, रेन ऑन द रूफ हो गया, द डक एंड द कैंगरू हो गया, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पोएम हैं आपके। अब इंपॉर्टेंट बात, आपके 10 नंबर के सवाल आने वाले हैं पोएम से। दूसरी बात बेटा जी, कि आपके ये जो 10 नंबर के जो पोएम हैं, इसके अंदर से 4 नंबर का तो आपका है स्टेंजा, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ, और 6 नंबर के आपके क्या है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके जो अभी अपन ये लेसन पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर पीछे रहे 6 नंबर, तो वो तो क्या है भाई, पोएम से सवाल आएंगे जिनका आपको आंसर देना है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, आगे क्या है, ध्यान देना बच्चों, क्या सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? आप बाय द वे एक काम करना, जो जो वीडियो पे पहली बार आए हैं आज, जो जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन है वो दबा लो। फटाफट शुरू करता हूं। देखना, अपन ने ये पोएम क्लास में पढ़ी थी, पूरी लाइन आपको याद आनी चाहिए कहां से है, क्या लिखा हुआ है टाबरो। रिमेंबर रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंजर, कोई भी क्या है, अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन यानी क्या हो गया, विदेशी, एब्रॉड विदेश। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारे जो यूनिफॉर्म होती है, जो अपने कपड़े होते हैं, जो वेशभूषा होती है, जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म हो गई, आर्मी की यूनिफॉर्म हो गई, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म हो गई, सब अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। मान लो अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स, उन सभी ये जो जितने भी यूनिफॉर्म अपन ने पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, सोल्जर जो है उन्होंने पहने हुए हैं, स्कूल में भी कई कई स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है, टीचर की होती है, स्टूडेंट की होती है, तो उनके नीचे जो बॉडी है, जो शरीर है, जो श्वास ले रही है, वो तो कैसी है, सेम है। कैसी है, सेम है। अ सिंगल बॉडी, सेम शरीर होता है। The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. और ये जो धरती है जिसके ऊपर अपने भाई, जिसके अपन अपने जैसे लोग, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे लोग जो इस जमीन पर चल रहे हैं, वो सब कैसे हैं, एक जैसे ही हैं। आंख नाक मुंह कान हाथ मुंह सारे कैसे हैं, अपन एक जैसे हैं। चाइना वाले देख लो, वो तो एकदम एक जैसे है। कई बार तो उनके बापा और भाई कंफ्यूज हो जाते, ओ बापा करेगन तो मन एकदम भाई हरका लाग रही है, बापा पैसे कह के हाँ तुम्हें मन माँ दादा हरका लाग रही हो। वहां पर तो सब एक जैसे ही पीस होते हैं, सारी आइटम एक जैसे ही, मतलब लड़का लड़की उनके देखियो आंखें ये ऐसे चाइनीज के जैसे। तो बताओ, लेकिन अपने इंडिया में फर्क है कि नहीं है, सब अलग अलग थोड़े दिखते हैं, लेकिन बॉडी तो वैसी ही है, अपन सब एक जैसे हैं। आगे, इन विच वी ऑल शैल लाई, और हम मरेंगे भी कैसे, इसी धरती पर हम सब मरने वाले हैं। देखो कोरोना में हुआ था कि नहीं, कोरोना में मरे तो सब कैसे मरे, सेम उसी तरीके से, जैसे चाइना में मर रहे थे वैसे यहां पर मर रहे थे, वैसे अमेरिका में मर रहे थे, लॉकडाउन लगा तो सब जगह लॉकडाउन लगा। तो इस प्रकार से ये क्या था, स्टेंजा। अब जब मैंने ये स्टेंजा पढ़ा है और यहां पर लाइनें पढ़ी है, दैट रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, तो कई बच्चों के दिमाग में आ गया है कि मार साहब ये तो वो वाली पोएम है। मैंने कहा कौन सी वाली, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो नो मैन आर फॉरेन वाली है और ये उसका पहला स्टेंजा है। मैंने कहा वेरी गुड टावर, बिल्कुल मुझे ऐसे टावर पसंद है, फटाफट दिमाग में क्लिक हो गया एकदम। हाँ, नो मैन आर फॉरेन। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो अपन कोई कहीं पर मस्त होटल में गए, कहीं पर खाना खा के आए और एकदम मजा आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई साहब इसका शेफ कौन है, बनाने वाला कौन है। जैसे मान लो मिठाई की दुकान पे गए, अपन पूछेंगे यार हलवाई कौन है। मान लो कोई मिठाई अच्छी लगी, अपन मान लो दोस्त लेके आया, तो अपन क्या बोलेंगे यार कौन दुकान से लिए मन बताओ। हाँ, From which shop you have bought this? क्या आपने ये कौन सी दुकान से खरीदा? We would like to ask him this question. हम उसको ये सवाल पूछेंगे, सीधी सी बात, हम ये सवाल पूछना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पता चला हो, तो no man are foreign के जो पॉइंट है, जो ये जो पोम लिखी है, ये कविता किसने लिखी है, जेम्स किरकुप ने। किसने लिखी है, जेम्स किरकुप ने। अब इंपॉर्टेंट बात, ये सर हमको ये याद रखने का जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने वाले हो, तो आपके जो रेफरेंस होती है, जो संदर्भ होता है, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी में क्या लिखते हो,
जैसे आप बेटा जी हिंदी में क्या लिखते हो, ध्यान देना कि उपयुक्त गद्यांश या फिर पद्यांश, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के निम्न के पाठ इससे लिया गया है, इसके लेखक या फिर इसके कवि ये हैं, ऐसे लिखते हो, वैसे ही यहां पर होगा टावरों, वैसे ही यहां पर होगा। क्या होगा ध्यान देना, ये क्या है लाइन्स है, क्या है लाइन्स है, आप इसको स्टेंजा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो टावरों, स्टेंजा भी बोल सकते हो। तो आप ध्यान देना मैंने यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले ये शुरू हुआ था यहां पर, देखो ध्यान से, रिमेंबर से शुरू हुआ, खत्म कहां पर हुआ टावरों, लाई पर, कहां खत्म हुआ, लाई पर। तो मैंने क्या किया, ध्यान दो, रिमेंबर लिखा, रिमेंबर कॉमा नो मैन, फिर मैंने क्या किया साहब, फिर मैंने डॉट 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 डॉट, खेलते रहो है ना, ऐसे कर, ऐसे ही मत करना, वहां पर फटाफट किए भेजा हमारी खत्म। मैंने तो शॉर्टकट किया था ऐसे, ये देखो ऐसे कैसे किया था, ये देखो ऐसे, ये लाइन मारी, ये हो गया शॉर्टकट। लेकिन अपने ऐसे नहीं होगा, अपने तो पेन है, फिर कैसे होगा। तो अब ध्यान देना, रिमेंबर नो मैन डॉट 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 लगा दिए, फिर लास्ट वाले ये जो शब्द थे ये मैंने लिख दिए सेल लाई, और इस प्रकार से मैंने ये तय कर लिया कि मैं तो ये वाला करने वाला हूं। कुछ बच्चों के मन में डाउट है, सर आपने तो ये किया, हमारे कौन से आने वाले हैं। टावरो आपके दो स्टेंजा आएंगे, माना कि ये क्वेश्चन वन और ये क्वेश्चन टू, इन दोनों में से आपको टावरो कोई एक करना है, दो स्टेंजा आएंगे उनमें से जो आपको अच्छे से आए वो सेलेक्ट कर देना, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, आगे क्या करना है ध्यान देना, रेफरेंस। तो भाई साहब ये क्या है, लाइंस है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेंजा। अपन इजी रखने के लिए क्या लिख रहे हैं, दीज लाइंस। तो क्या हुआ, दीज लाइंस हैव क्यों आया, क्योंकि बहुवचन है, ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा लाइन है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइनें हैं कौन सी कविता से ली गई है, तो ये लाइनें ली गई हैं इस कविता से, कौन सी कविता, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, इस कविता से ली गई है, एंड कंपोज्ड बाय द पोएट जेम्स किरकुप। आप यहां पर किसने लिखी है इनको, जेम्स किरकुप ने, किसने लिखी, जेम्स किरकुप ने। तो बच्चे को वो याद आया कि अरे सर मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पोएम का नाम याद होना चाहिए, पहली बात पोएम का नाम याद होना चाहिए, दूसरी बात टावरो है आपको पोइट का नाम याद होना चाहिए। बेटा जी क्या बोला मैंने, पोएम का नेम और दूसरा क्या हो गया टावरो, पोइट का नेम, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपका कल्याण होगा, तब जाके आपके चार नंबर का पिटारा खुलेगा। नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट क्या है टावरो, ध्यान दो, ये मैं यहां से अब मिटा रहा हूं टावरो, ठीक है। आगे फिर है कॉन्टेक्स्ट, क्या है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर किस बारे में बताया गया है, क्या? तो आप देखना शॉर्ट में ये जो चार लाइनें थी जिनका आप इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन करने वाले हो, दो लाइनों में बता दो। तो मैंने क्या लिखा, इन दीज लाइंस, क्या लिखा मैंने, इन दीज लाइंस द पोइट, यहां पर मिट गया है थोड़ा, इन दीज लाइंस द पोइट इज गिविंग द मैसेज दैट, इन लाइनों में कवि क्या एक संदेश दे रहा है, दैट वी ऑल आर सेम, हम सब कैसे हैं, एक जैसे हैं, एंड देयर इज नो डिफरेंट अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग, और जितने भी इस धरती के ऊपर प्राणी हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सीधी सी बात है, मैं भी इंसान तुम भी इंसान, चलो आओ मिल बैठ के पार्टी करते हैं, ये वाली बात है। नेक्स्ट पे आता हूं, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, बोलो बुढ़िया बाबा हरी जय। आगे अब आता हूं मैं एक्सप्लेनेशन पर, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है वो सुनो, एक्सप्लेनेशन का मतलब है दो की चार करना, चार की आठ करना, चार लाइनें आई है इनको आठ में कन्वर्ट करो, मतलब इसको थोड़ा बड़ी भाषा में लिखो, इसके ऊपर वर्णन करो, इसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके इसकी व्याख्या करो। जैसे मैंने बोला अधजल गगरी छलकत जाए, मैंने क्या बोला, अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो एकदम छोटी सी लाइन हो गई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठू तो क्या भाई, हाफ नॉलेज इज डे, क्या भाई जो
कम ज्ञानी होता है ना, कम ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान कम है, वो हमेशा चिल्लाता रहेगा, बकबक करता रहेगा, क्योंकि जो घड़ा होता है ना, जो कम भरा हुआ घड़ा है, एक तो घड़ा फूल भरा हुआ, जैसे मान लो ये पॉट है, ठीक है, ये पॉट है, मान लो ये पॉट है, ठीक है, ये पॉट है, और मासा बच्चा कहेगा वो पॉट के कारण हुआ, मानो कि ये पॉट है, अगर ये यहाँ तक पूरा भरा हुआ है तो कभी ये छलकेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आधा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो ये पॉट क्या होगा, छलकेगा, क्या होगा, छलकेगा, तो बताओ मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। वैसे ही टाबरो आपको जो ये चार लाइनें दी हुई है ना, आपको इन्हें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है भाई, इनकी व्याख्या करनी है, शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना, पूरा फोकस रखना। कितने बच्चे जुड़े हैं बाय द वे, वाओ वाओ वाओ, सभी का सपोर्ट, इतना शानदार सपोर्ट, वाह, आपके लिए एक हेलो, मेरा हाय नमस्कार तो बनता है यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चों, लाइक कर दो फटाफट, आगे बढ़ता हूं। एक्सप्लेनेशन देखना ध्यान से, स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहां तुम बहुत बड़ी गलती कर ले हो, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की गलती कर दी, देन दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर एंड, तो आप वो आपके अंत की शुरुआत होगी टाबरो, फिर वहां पर गेंडे जैसा है ना, आपके गेंडे के जैसे नंबर काटे जाएंगे, मोटे मोटे नंबर काटे जाएंगे, अगर आपने अच्छे लिखे, रेफरेंस की स्पेलिंग सही लिखी, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग सही लिखी, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग सही लिखी, तो आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़ता हूं, इन अबव लाइन्स द पॉइंट वॉन्ट्स टू से दैट, इन ऊपर वाली लाइनों में कवि कहना चाहता है, नो वन इज स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान नहीं है, कोई भी अननोन नहीं है, एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन, और कोई भी कंट्री, कितने भी, जितने भी देश है, कोई भी देश विदेशी नहीं है, ऑल द डिफरेंट सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द कलर्स ऑफ यूनिफॉर्म, कि भाई जितने भी सोल्जर्स है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने सैनिक है जितने देशों के, वो सब अगर यूनिफॉर्म के बेस पे देखे जाए तो उनके कलर जरूर अलग है, लेकिन एंड बट यहां पर क्या है, कुछ चिंटे पिंटे बैठे, उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा ही आ रही है, नॉनसेंस वाले। आगे, but all the soldiers breathe and live on the same earth, ये देखो, लेकिन जितने भी सैनिक हैं वो कोई हवा में तो है नहीं, कि भारत के सैनिक हवा में उड़ रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक पानी के अंदर घुसे हुए हैं, नहीं, रहते कब कहां पर है, सब जमीन पे रहते हैं टाबरो, on which other different countries soldiers live, जिसके ऊपर, जैसे अपने देश के सैनिक भी कहाँ रह रहे, धरती पर रह रहे, वैसे वैसे यूक्रेन के, रशिया के, सर यूक्रेन और रशिया का नाम क्यों ले रहे पता है, वहां उनके बीच में धमाधम वॉर चल रहा है, हाँ, तो वो भी देखो, लड़ तो जमीन पे ही रहे, आकाश में, अपने यहां पर भी जैसे लड़ाई होती है वहां पर लड़ते हैं, सेम वैसे के वैसे वहां पर लड़ रहे हैं। आगे, वी ऑल आर वॉकिंग ऑन द सेम अर्थ, ऑल्दो द कंट्री में डिफरेंट बट द लैंड इज सेम, हम सब अलग अलग, हम देखो सब किस पे चल रहे, धरती पे चल रहे, मैं भी यहां पर छत पर हूं, लेकिन ये छत कहां पर है, धरती पर आई हुई है, वैसे कैसे और छत कहां पर है, बाहर भी छत है, किसी और के घर पे भी है, विदेशों में भी बिल्डिंग होती है, लेकिन वो बिल्डिंग है बनी किसके ऊपर है, धरती के ऊपर बनी हुई है, और धरती तो पूरी क्या है, एक है, आगे भले डिफरेंट कंट्री से होती लेकिन धरती कैसी है, एक है। नेक्स्ट में आता हूं, बच्चों आपको साफ दिख रहा है क्या, लास्ट पे आता हूं, ये थोड़ा मैंने क्या किया, मेरे यहां पर समाया नहीं तो मैंने इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लिया, ध्यान देना टावरो, तुम्हें वहां पर कॉपी में लगातार लिखना है। आगे, इन लास्ट लाइन द पोएट इज सेइंग दैट, ये लास्ट लाइन, ये वाली लास्ट लाइन, इन लास्ट लाइन द पोएट इज सेइंग दैट वी ऑल शैल लाई इन सेम अर्थ आफ्टर डेथ, कि भाई मरने के बाद तो हम सब लोग इस जमीन के अंदर ही समा जाएंगे, मतलब अपन को इस धरती के ऊपर ही आखिर मर जाना है, सीधी सी बात है, दैट आफ्टर डेथ सो वी ऑल आर सेम, इसलिए कह सकते हैं कि हम क्या है, सब सेम है, एंड नो वन एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई देश क्या है, विदेशी है। द पॉइंट इज गिविंग द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यहां पर कवि क्या संदेश दे रहे हैं, कवि संदेश दे रहे हैं सार्वभौमिक जो भाईचारा है, कि हम तो सब क्या है, भाई बहन, हम सब एक है, हम में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, मेरे सामने ही तस्वीर लगी हुई है, उन्होंने क्या कहा था, ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे बोला था, सॉरी, कि भाई मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये देखो वो आपके सामने इतने फुट्टे, ये देखो, दिखे आपको विवेकानंद जी, कितनी शानदार तस्वीर है ना। चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों, में ध्यान देना, यहां तक मुझे लग रहा है आपके कोई डाउट नहीं होगा, आई होप, जहां तक मुझे आशा है। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा हुआ पूरा, मैंने आपको इसमें क्या सिखाया, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, मतलब रेफरेंस कैसे लिखना है,
कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, अब कुछ स्पेशल चीजें उन पे ध्यान देना है। देखो यहां पर मैंने लिखा था दीज लाइंस, क्या लिखा था मैंने, दीज लाइंस, कोई बच्चा चाहे तो लाइंस की जगह वो क्या लिख सकता है, वो सुनो ध्यान से, वो चाहे तो लिख सकता है स्टेंजा, क्या लिख सकता है स्टेंजा। और अगर स्टेंजा लिखता है तो टाबरो ध्यान देना, तो यहां पर दिस आएगा, क्या आएगा दिस स्टेंजा, और फिर यहां पर हैव की जगह क्या आ जाएगा टाबरो, हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो तीन चेंज। अगर लिखते हो दिस स्टेंजा लिखते हो तो स्टेंजा के लिए क्या आएगा दिस आएगा, तो टाबर क्या लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहां तक क्लियर। आप टेकन की जगह एक्सट्रैक्टेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंपोज्ड की जगह टाबरो आप रिटर्न भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कभी लिखा गया है, लेकिन आपके लिए कंपोज्ड बहुत इजी स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इजी है ये भी इजी है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, इन दीज लाइंस द पोएट इज गिविंग द मैसेज, इस प्रकार से शुरू करो। एक्सप्लेनेशन के अंदर ये वाली लाइन से शुरू करो, इन अबव लाइंस द पोएट, यहां से इन अबव लाइंस द पोएट वॉन्ट्स टू से, द पोएट इज सेइंग दैट, द पोएट एक्सप्लेन्स दैट, इस प्रकार से अपनी भावनाएं वहां पर लिखो। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या सर हमारे तो इतनी सारी पोएम है, कोई भी आ सकती है, बिल्कुल टाबरो कोई भी दो आएगी, उनमें से आपको एक का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। मैंने फिलहाल आपके रिवीजन करवाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है वो ध्यान देना। देखो मैंने क्या लिखा, नो मैन आर फॉरेन, इसके कौन है पॉइंट, जेम्स किरकुप। फिर कौन है द रोड नॉट टेकन, इसकी तो मुझे भी याद है बहुत अच्छे से, बहुत शानदार पोइम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद कौन है विंड के कौन है, एक्चुअली ऑथर कौन है, सुब्रमण्य भारती, लेकिन ये तमिल लैंग्वेज में था तो इसको ट्रांसलेट किसने किया, ए के रामानुजन ने, ध्यान देना ए के रामानुजन ने। उसके बाद रेन ऑन द रूफ, कोट स्किनी, द डक एंड द कैंगरू, ये किसने लिखा, एडवर्ड लियर। उसके बाद ऑन किलिंग अ ट्री, जीव पटेल। और उसके बाद लास्ट में द स्नेक ट्राइंग, WWE रोस। जहां तक मुझे पता है बच्चों इसमें से आधी तो लगभग मैंने YouTube पे डाली हुई है, तो आप सभी से ये वीडियो ये लेक्चर मुझे बता के बहुत ही खुशी मिली, शायद आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही जुड़े रहे और अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़े, और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। डन, नो पेंडिंग। चलो, अरे यार चलो कैसे, बच्चों के नाम ही नहीं बोले आज मैंने, ओहो सॉरी 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 सॉरी, वापस आ जाओ टाबरू, जाना मत, मैं यही हूँ, नाम ही नहीं लिए मैंने बच्चों के आज, अरे यार ये कैसे हो गया, एक मिनट टाबरू कहाँ गए, ये रहे, सॉरी 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 बच्चों, ध्यान दो, ये रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ रहे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मैं नाम ना लूँ, हाँ डिस्कार्ड, ये रहे सारे, कौन कौन जुड़े हैं भाई, विशाल माली, शुभम चौधरी, ओम प्रकाश सोलंकी, साक्षी गहलोत, विशाल माली, मारवाड़ी गेमिंग, रिंकू बला, यस वेरी नाइस, वैष्णव नल्ला भाई गेमर, मारवाड़ी गेमिंग एप्लीकेशन, विनीता रावल, बेटा एप्लीकेशन नहीं आएगी आपके, आपके आएगा ईमेल, आपके आएगा लेटर, तो आपको ईमेल ही करना है, और कल मैं आपके लेटर लूंगा, ध्यान देना, कल मैं आपके लेटर लूंगा टाबरो, कल आपके लेटर का वीडियो आएगा। उसके बाद कौन है, मारवाड़ी गेमिंग, आशिका मालवीय, हाय सर डियर, मिस्टर रवि राजपुरोहित, हेलो डियर, रिंकू बला, मारवाड़ी गेमिंग, शुभम चौधरी, चिरायु चौहान, आई एम गायत्री चौहान, ओके विद्या चौधरी, विद्या भी आ गई, लीला मीना, चिरायु चौहान, नवी को नमस्ते, बानु देवड़ा, बंटू देवड़ा, हाय सर जी, किशन दत्ता, उसके बाद सभी को नमस्कार, उसके बाद बैरी सौगन, मुझे दिख रहा है क्लियर तो आपने लिखा है, ओके ना लाइक क्लियर दिख रहा है तो क्यों मजे ले रहा है बदमाश। उसके बाद सीके सुमेरपुर, सर जी नाइस, अच्छी बात है, थैंक यू। उसके बाद और कौन है, विनीता रावल, इंडियन गेमर लाइन, नेक्स्ट हेमलता मारू, हेलो सर, आई एम हिमांशी, ओके हिमांशी, हरीश कुमार, सुतार पीआर ब्लॉग्स, भवेश माली, यशपाल सिंह देवड़ा, मैं ममता, ओके ममता, गणेश दास, रिंकू बला, सभी को नमस्कार, टाबरो, धनाराम भाटी, वेरी नाइस, ये कौन है, ध्रुवी, ओके ध्रुवी, कैसी है बेटा, संदीप सिंह, हाय सर जी, धर्मेंद्र, धनाराम भाटी, हेलो, लक्ष्मी मौर्या, ईशाना देवासी, हीना, लक्ष्मी मौर्या, मैं चांदनी, कितने लोग हैं यहाँ पर, इतने सारे, फिर नाजी राम सोलंकी, हेलो, भावेश माली, राजू गेमर, सभी को नमस्कार। इतनी खुशी होती है मिलके आपसे कि कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती टाबरो, इतने प्यारे प्यारो तुम। चलो अब पढ़ना शांति से, चलो, और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और क्या करो, अच्छे से सो जाओ, सुबह उठ के वापस पढ़ना, बाय, टेक केयर।